तो हम तो कहेंगे कि वेद माता गायत्री हैं तो वेदों की नानी गौ माता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए सर्वदेव सर्ववेदमयी सर्वदेवमयी संपूर्ण देवता गाय के श्रीअंग में है। अलग अलग देवताओं का मंदिर बनाओगे तो जीवन बीत जाएगा, सबका मंदिर नहीं बना सकते। मंदिर बना दो और फिर ठीक से पूजा परिचर्या न हो तो मंदिर बनाकर भी लोग नरक चले जाते हैं। इसलिए मंदिर बनाने की अपेक्षा प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात, वहाँ पूजा और प्रतिष्ठा ठीक से करने की बात कही गई है। नवीन मंदिर निर्माण को उतना अधिक महत्व नहीं दिया गया। जिन मंदिरों में जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, गिरासु हैं, उनको पुनः आप मरम्मत कीजिए, ठीक कीजिए और वहाँ सेवा पूजा राग भोग की ठीक व्यवस्था कीजिए। इसका पुण्य नव मंदिर निर्माण से अधिक कहा गया शास्त्रों में। इसलिए पुराने मंदिर आपने देखे होंगे तो पुराने चाहे लोग जो लोग मंदिर बनाते थे तो ठाकुर जी के राग भोग की व्यवस्था के लिए कुछ भूमि धन आदि कुछ न कुछ व्यवस्था करते थे, नहीं तो मंदिर नहीं बनाते थे। आज तो अजायब घर जैसा काम हो गया कि लोग मंदिर बना के खड़ा कर देते हैं बड़े बड़े शहरों में कॉलोनियों में, और वहाँ ठाकुर जी को चनोरी का भोग लगता है, मिश्री का भोग लगता है, राजभोग नहीं लगता है। ऐसा मंदिर बनाने से कोई लाभ नहीं। मंदिर बनाओगे तो कितने देवताओं का मंदिर बनाओगे, कितने पुजारी रखोगे, कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे देवता को चंदन भी लगाओगे तो ब्रह्मचारी जी इसमें मलयागिरी चंदन भी 50,000 रुपए किलो है। कितना है अब कम से कम बता रहा हूँ मैं, और ज़्यादा हो गया हो तो पता नहीं, क्यों हम तो खरीदते हमको पता है। कुछ समय पहले तक 50,000 रुपए किलो था मलयागिरी चंदन, और इत्र कितना महंगा है। हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी की गुरुजनों की कृपा करुणा से मलुक पीठ में, यमुना मंदिर में, खाक चौक में, ओरछा में, ललितपुर में, जहाँ जहाँ ठाकुर जी के स्थान है सब जगह शुद्ध मलयागिरी चंदन, शुद्ध इत्र, शुद्ध गुलाब जल और केसर आदि का प्रयोग होता है। भगवान भेजते भी बहुत हैं, फिर भी हम समझते हैं कि वर्ष भर का केवल चंदन केसर और सुगंधित गुलाब जल इत्र आदि का लाखों का खर्च पहुंचता है वर्ष का। ये एक बात बता रहे हैं, नमूना बता रहे हैं, खाली चंदन चढ़ाने की बात है ये, और गौ माता को कुछ नहीं है। नीचे भी कुछ सोने चांदी का सिंहासन लगाने की जरूरत नहीं है, छप्पर डाल दो और टोकरी में बढ़िया सानी न्यार बना के धर दो, गौ माता संतुष्ट हो गई तो 33 करोड़ देवता संतुष्ट हो गए। पर सरल साधन में जीव को विश्वास नहीं होता है। भैया मंदिर में सबको प्रवेश का अधिकार नहीं, सबको पूजा का अधिकार नहीं, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा है। पर गऊ की सेवा प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, सूतक आदि के काल में भी गौ माता की सेवा कर सकता है। गौ माता ब्रह्म रूपा है, ब्रह्ममयी है, उसमें सूतक पातक का दोष नहीं है। बिना नहाए मंदिर में सेवा कर सकते हो, अब बिना स्नान के गौशाला में गोबर उठा सकते हो कि नहीं, झाड़ू लगा सकते हो कि नहीं, बोलो, न्यार काट सकते हो कि नहीं। भैया गौ भगवान नहीं है, गौ भगवान की भी भगवान है, गौ देवताओं की भी देवता है, गौ ऋषियों की भी ऋषि है। इसलिए गाय सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी। ऐसी पूज्या गाय, इसलिए
दास का तो मानना है कि राम कृष्ण हरि कली धेनु बनी आए हैं। कली काल में राम कृष्ण हरि ही गाय के रूप में हम लोगों को प्राप्त हो गए। गाय की भगवत भाव से सेवा करो, अलग से किसी, हम ये नहीं कहते हैं कि अपनी कुल परंपरा से प्राप्त देवी देवता की उपासना छोड़ दो, राम कृष्ण का भजन छोड़ दो, ये हम नहीं कह रहे हैं। पर हम ये कह रहे हैं एक गो माता की सेवा से सांगो पांग धर्म का आचरण हो जाएगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।